क्या वनडे में हो जाएगा सूर्य कुमार का सूर्य अस्त? जी हाँ भाई, वनडे क्रिकेट सूर्य कुमार यादव के लिए एक ऐसी पहेली है जिसका भाई उत्तर सूर्य कुमार यादव के पास नहीं है। लगातार भाई वनडे क्रिकेट के अंदर फ्लॉप होते रहे सूर्य कुमार यादव, और एशिया कप 2023 के स्क्वाड के अंदर फिर भी सूर्य कुमार यादव का नाम था कि सूर्य कुमार यादव को हम लेकर जाएंगे, खिलाए चाहे ना खिलाए। लेकिन भाई सूर्य कुमार यादव का वनडे क्रिकेट वनडे स्क्वाड के अंदर सिलेक्शन हो, उससे पहले जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो वनडे सीरीज थी उसके अंदर फ्लॉप रहे, T20 के अंदर चलो फिर भी बल्ला बोला लेकिन वनडे एकदम खामोश। उससे पहले भाई वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थी उसके अंदर तो भाई बल्ला और बॉल कहा क्या होता है, कैसे कॉन्टैक्ट होता है, बिल्कुल भूल गए थे सूर्य कुमार यादव। लेकिन भाई तमाम फ्लॉप प्रदर्शन होने के बावजूद एशिया कप 2023 की वनडे स्क्वाड के अंदर भाई सूर्य कुमार यादव का सिलेक्शन हुआ। लेकिन अब जब पहला मुकाबला हुआ मौका नहीं मिला, दूसरा मुकाबला शुरू हुआ मौका नहीं मिला, जो कि नेपाल वाली टीम थी यानी कि छोटी टीम थी वहां पर भी सूर्य कुमार यादव को मौका नहीं दिया गया। उसके बाद जब केएल राहुल अगले मैच से कर लेंगे वापसी तो क्या सूर्य कुमार यादव को वापसी करने का मौका मिलेगा? यहाँ पर केएल राहुल के लाले पड़ रहे हैं कि भाई वो वापसी कैसे करेंगे, और वो तो बंदा तो रन्स कर रहा है ओडीआई क्रिकेट के अंदर, तो सूर्य कुमार यादव कहां से फिट बैठेंगे प्लेइंग 11 के अंदर, ये सबसे बड़ा सवाल है। जबकि ईशान किशन रन्स कर रहे हैं, शुभमन गिल को आप ड्रॉप करेंगे नहीं, रोहित शर्मा तो कप्तान है, विराट कोहली भाई 3 नंबर, उनको कैसे ड्रॉप करेंगे आप? कीपर आपका ईशान किशन, लगातार 450 मार दिए उस खिलाड़ी ने, तो भाई कैसे सूर्य कुमार यादव को प्लेइंग 11 के अंदर जगह मिलेगी? और जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव के जो स्टैट्स हैं ओडीआई क्रिकेट के अंदर वो एकदम जैसे सूर्य अस्त होता है, सूर्य चढ़ता जाता है, लेकिन सूर्य कुमार यादव के जो स्टैट्स ओडीआई क्रिकेट के अंदर वो एकदम ढलते रहते हैं, शाम का टाइम होता है जैसे वैसे ही भाई ढलते रहते हैं सूर्य कुमार यादव के स्टैट्स, और एकदम बद से बदतर हालात हो रही है सूर्य कुमार यादव की वनडे स्टैट्स के लिए। तो भाई इन सब चीजों के बाद ऐसा लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव का वनडे क्रिकेट के अंदर सूर्य अस्त होगा, चीजें खत्म होगी, और वनडे क्रिकेट के अंदर कमबैक करना सूर्य कुमार यादव के लिए एक ऐसी पहेली बन जाएगी जिसका जवाब शायद सूर्य कुमार यादव को पूरे उनके क्रिकेटिंग करियर के अंदर ना मिले। उम्र भी ज्यादा है सूर्य कुमार यादव की, कुछ 32-33 साल के हैं, तो ज्यादा क्रिकेट हम चाहेंगे भाई ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेले, लेकिन उम्मीद ऐसा है नहीं कि भाई 6-7 साल ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेलेंगे, उससे ज्यादा नहीं खेलेंगे। लेकिन हम सब चाहेंगे कि सूर्य कुमार यादव भाई एक एक्स फैक्टर है, सूर्य कुमार यादव बहुत बड़े प्लेयर हैं, जैसे T20 क्रिकेट के अंदर अपना धमाका मचाते हैं वैसे ही वनडे क्रिकेट के अंदर भाई राजा बन के खेले खिलाड़ी। फिलहाल इस वीडियो में